कवर्धा में 48 घंटों से जारी किसान की हड़ताल अभी भी जारी है। भाजपा ने किसानों की समस्याओं को लेकर भारत माता चौक पर धरना दिया। इस बीच ग्राम बिरकोना में नेशनल हाईवे पर किसानों ने चक्का जाम किया, उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। किसानों का आरोप है कि शासन किसानों का धान नहीं खरीदना चाहती, यही कारण है कि दो दिन के चक्का जाम करने के बाद भी जिला प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही। आज कबीरधाम जिले में भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है, जिसमें कि पूरे जिले के कार्यकर्ता शामिल हैं और सरकार से, प्रशासन से इस बात का मांग है और आग्रह है कि यदि किसानों की बारदाने की उपलब्धता और धान खरीदी जब तक हर किसान की पूरी नहीं हो जाती, तब तक भारतीय जनता पार्टी लगातार किसानों की मांग उठाती रहेगी। सरकार की लापरवाही है, प्रशासन अपना काम जैसा करना चाहिए वैसे नहीं कर रही है। अभी तक किसी को आना चाहिए, बात सीधे करनी चाहिए, मामला साफ होना चाहिए कि करना क्या चाह रही है। यहाँ हमारे किसान भाई प्रताड़ित हैं, परेशान हैं और सरकार का कोई इसमें रिएक्शन नहीं आ रहा है। बहुत ही दुखद है और ये स्थिति और भी भयावह हो जाएगी अगर सरकार ने कुछ किया नहीं। बहुत ही गंभीर विषय है।